बहुत अच्छा हुआ है और आप जानते हैं कि वहाँ पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद हर पार्टी के नेताओं को अवसर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का, वो सब हो गया। और जब लौट करके यहाँ पर आए तो आप में से कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी हम बता दिए, बहुत अच्छा हुआ। देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है, करेंगे। लेकिन कल ही यह तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना केंद्र सरकार कब कर रहा है, अब क्या क्या होने वाला है, अब न्यूज क्या आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था, अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए, हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना, बोलिए होना ना चाहिए था 20 में तो नहीं है किए, कभी तक कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं उनके कल बात बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। वन नेशन वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा, विशेष सत्र में क्या आप लोग कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं, अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाया गया उनका प्रपोजल होगा उसी समय ना बात ठीक से होगी। आपको इतना ही बता दिए कि अब सोचिए ना कि जो चीज करना चाहिए था वो तो करवे नहीं किए, अब जो कर रहे हैं क्या रहा प्रपोजल आएगा, प्रपोजल तो उसमें केंद्र सरकार का इंटेंशन आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार का इंटेंशन क्या लगता है? नहीं नहीं घबराहट में, केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट में, मीडिया पर तो कब्जा किए हुए है प्रचार के लिए, अब सब जगह पर देखिए कल भी कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, आज हम कोहे तो आप जानते हैं आपके सारे जो मित्र हैं सब हंस रहे थे, पूरा खुश हो रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। हमका आपको अधिकार जो है आप बोलिए, आपको जो उचित लगेगा कि क्या सही काम हो रहा है क्या गलत लिखते ना पहले, अब आजकल आप लोगों पर तो नियंत्रण है तो ठीक नहीं ना जी, ये होना ना चाहिए। सब तो चाहते ही है कि जल्दी हो सब चीज हो जाएगा, सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी वो सब काम शुरू हो जाएगा, वो सब की चिंता मत करिए, वो सब तो करके बताया जाएगा। और हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि इसी महीने सब चीज तय कर लीजिए और 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपना एक कार्यक्रम करेंगे कि ताकि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब तय हो चुके, तब सब तो आगे होगा ना। सर बिहार में एक मामला है छुट्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है, जिस तरह से बदलाव किया गया बात हो रहा है, अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या कोई पढ़ाना ही ना बच्चे बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है, सबको देखना चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट समझता है अधिकारी समझते हैं तो हमको आश्चर्य होता है, आप किसी भी पुलिस कर रहे इसको जो भी लगता है किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे आपको क्या लगता है, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है, हम तो कह दिए हम तो सबका सुनते हैं, सबको कितना फायदा देते हैं, तो कहला चिंता कर रहा है। बीजेपी बहुत हम तो चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चे बच्चियों की खूब समय पर खूब बढ़िया से होता है। बीजेपी बहुत विचलित हो गई है क्योंकि राजनीति का आरोप लगा रही है, आगे बढ़ते रहे, पहले उन्होंने कहा कि चाय नाश्ता करने जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया सब कुछ हो गया, अब उसको लेकर काफी चिंता में है।